आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिटगेट एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो कॉइन अपने बिटगेट वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होता है, और फी का अक्सर होगा जो आप लोगों के पास मसला आ रहा होता है कि कौन से नेटवर्क की फ़ी देनी है, फ़ी का हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने बिटगेट वॉलेट क्रिएट किया था, उसका बैकअप लिया था और उसके फीचर के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने USDT जो कि हमारे बिटगेट एक्सचेंज अकाउंट पर पड़े हुए हैं, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन में। ये सारी चीज़ें हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई भी पार्ट आपको वीडियो का मिस नहीं करना है ताकि आप इजीली समझ जाएं आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं बिटगेट एक्सचेंज एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे USDT बिटगेट वॉलेट पे। तो ये मैंने अपने पास बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर यहाँ पे आप मार्केट की बात करें तो आप अगर बॉट कॉइंस में आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BTC का रेट क्या चल रहा है, सोल का क्या चल रहा है और जितने भी न्यू कॉइंस आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं। तो अगर आप मार्केट की अपडेट चाहते हैं, लेटेस्ट क्रिप्टो सिग्नल चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो हमारा आप क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ से USDT ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा एसेट में। एसेट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा विदड्रॉ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम विदड्रॉ करें हैं और बिटगेट वॉलेट पे हम डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ तक क्लियर होगी। विदड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप विदड्रॉ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सारे कॉइन्स आ जाएंगे जिनमें आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। यहाँ से मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल USDT, ठीक है, आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने USDT कर दिया तो USDT पे या कोई भी क्रिप्टो कॉइन पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो ऑन चेन विदड्रॉल आ गया, एक इंटरनल ट्रांसफर आ गया। अगर आप बिटगेट से बिटगेट अकाउंट पे, मतलब बिटगेट एक्सचेंज से दूसरे बिटगेट एक्सचेंज के अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे तो वो होता है इंटरनल ट्रांसफ़र, कि फ़ी कोई नहीं होती, वो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर यहाँ पे हमारा ये इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं है, ये तो बिटगेट एक्सचेंज टू बिटगेट वॉलेट, मगर एक्सचेंज सेम नहीं है। तो ये वॉलेट में और एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा ऑन चेन विदड्रॉल, एक्सचेंज से हम कर रहे हैं वॉलेट पे, चाहे वो बिटगेट वॉलेट हो, टेस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो या कोई और एक्सचेंज हो जिसके बाइनेंस है, ओके से कोई भी एक्सचेंज होगी तो आप यहाँ पे करेंगे ऑन चेन विदड्रॉल। अगर बिटगेट एक्सचेंज तो बिटगेट एक्सचेंज होगा तो फिर आपका इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन चेन विदड्रॉल। ऑन चेन के बाद यहाँ पे देखें आपका जो क्वाइन था वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया और उसके बाद है नेटवर्क। यहाँ पे देखें TRC20 है, इथेरियम है, BB20 है, यहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बिटगेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बाद में भी आपका इरादा है कि बिटगेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आप वो नेटवर्क कर सकते हैं जिसकी फ़ी सबसे कम हो। मगर इन केस आपका इरादा है कि बिटगेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करने के बाद आप हो सकता है किसी और एक्सचेंज पे करें, कूकन पे कर लें, ओकेस पे कर लें, गेटआईओ पे कर लें, तो हो सकता है यहाँ पे आप कोई और नेटवर्क सिलेक्ट करें तो वो दूसरी एक्सचेंज पे अवेलेबल ना हो। तो अगर आप TRC20 करेंगे तो आपको हर नेटवर्क पे TRC20 अवेलेबल मिलेगा, BB20 आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपको बाइनेंस पे भी मिलेगा और भी एक दो एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं। TRC20 की फ़ी आपको लगेगी 1 USDT और BB20 की आपको फ़ी लगेगी $0.28, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, मैं तकरीबन ये दोनों ही यूज़ करता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ BEP20, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क है, ये मेरा BEP20 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे आ रहा है विदड्रॉल एड्रेस और मिनिमम देखें हम $0.01 विदड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे लेस जो हम विदड्रॉ कर सकते हैं वो BEP20 में अभी तक मैंने देखा है। तो अब यहाँ पे हमें चाहिएगा विदड्रॉल एड्रेस जो कि हमें मिलेगा बिटगेट वॉलेट से। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है विदड्रॉ टू Web3 वॉलेट। अब ये जो वॉलेट है वो ये बिटगेट एक्सचेंज के अंदर ही अवेलेबल है, इसका बिटगेट वॉलेट एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बिटगेट वॉलेट की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अलग है, सेल्स कस्टेडियन वॉलेट है और वहीं पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलते हैं बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन की तरफ और वहाँ से हमें चाहिए होगा USDT का BEP20 नेटवर्क का एड्रेस जो हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। चलते हैं बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन की तरफ। तो ये मैंने अपने पास बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पर आप अगर वॉलेट पर आ जाएँ तो देखें जितने भी आपके पास एसेट होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं रिसीव, ठीक है, तो रिसीव के बटन को प्रेस करें।
उसके बाद ये देखें आपके पास जो भी कॉइन्स आ रहे हैं वो अलग अलग नेटवर्क के आ रहे हैं। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे AI आ रहा है तो उसके बराबर में BNB स्मार्ट चेन का लोगो बना हुआ है। उसके नीचे देखें तो BNB का भी BNB स्मार्ट चेन है, उसके नीचे लिखा हुआ भी है। अगर BTC पे आए तो BTC नेटवर्क है, इथेरियम पे आए तो इथेरियम नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमें चाहिए USDT BEP20 नेटवर्क में। तो सबसे पहले आप टॉप पे यहाँ पे प्रेस करें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें BNB चेन। BNB चेन जैसे ही आपने किया तो ये देखें सारे आपके पास BNB के ही कॉइन आ गए जो कि BEP20 नेटवर्क है। अब यहाँ पे प्रेस करें USDT को, ये देखें आपको एड्रेस मिल गया, कॉपी करें इसको और इसके नीचे देखें यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम बिटगेट एक्सचेंज। तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट बिटगेट एक्सचेंज पे ले जाएगा और वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आप ये भी कर सकते हैं, मगर अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये मुझे वेबसाइट की तरफ लेकर जा रहा है और यहाँ पे मुझे डाउनलोड करने का बोल रहा है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसको मैं अभी नहीं कर रहा, यहाँ से मैं इसको एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं बिटगेट एक्सचेंज की तरफ। को एड्रेस को प्रेस करते हैं, कितना अमाउंट आप विदड्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अवेलेबल मेरे पास 31 USDT है तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ 5 USDT। ठीक है, 5 USDT ट्रांसफ़र करूँगा तो नीचे देखें एस्टिमेटेड अमाउंट जो मुझे रिसीव होगा वो है 4.7 USDT और फी मुझे लगेगी 0.29 USDT। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। और ये यहाँ पे रिमाइंडर कुछ लिखे हुए हैं जो तो हम कभी रीड करते नहीं हैं, तो उसको आप कर लें लीव और इसको प्रेस करें विदड्रा के बटन को। तो विदड्रा के बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर आ गया, इसको कर लें कंफर्म। अब उसके बाद आपके ईमेल पे कोड आएगा और मोबाइल पे कोड आएगा, वो आपको लगाना होगा। जैसे मोबाइल पे मेरे पास कोड आ गया, अब देखें यहाँ पे हमने दोनों कोड लगा दिया और यहाँ पे आप प्रेस करें कंफर्म को। तो यहाँ पे देखें विदड्रॉल ऑर्डर हमारा सबमिट हो गया है। क्वाइन हमारा कौन सा था? USDT था। चेन नेम क्या था? BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन था। विदड्रॉल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव कितना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये ट्रांजेक्शन तकरीबन आपकी 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, समटाइम इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप करें व्यू स्टेटस पे करेंगे, देखें यहाँ पे आ रहा है प्रोसेसिंग और एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे आ रहा है मिनिमम 5 मिनट। तो जब तक ये ट्रांसफ़र हो रही है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको इस तरह के मिलती रहें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। चलते हैं बिटगेट वॉलेट की तरफ, वहाँ पे हम चेक करते हैं हमारी ट्रांजेक्शन। ये मैंने बिटगेट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली, ये दोबारा से ओपन हो रही है। वॉलेट पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे देखें USDT में 4.71 USDT मुझे रिसीव हो गए जो कि हमने रिसीव किए बिटगेट एक्सचेंज से। इसको ओपन करते हैं, यह माई ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आप उसकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज से बिटगेट वॉलेट पे कोई भी क्रिप्टो कॉइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।